बिहार के एक एक ऐसे महापुरुषों को और शहीदों को, बलिदानियों को हम याद करने के लिए, नमन करने के लिए उनके गांव को हम अच्छी सड़क से जोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ जाता था। जब हमारे 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 पंचायती राज मंत्री, हमारे पंचायती राज मंत्री जब उस समय जब पंचायती राज की अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने कहा अधिकारियों को अधिकार दे दीजिए, भाई अफसरशाही से जनता का भला ही होगा। हमारे हमारे पंचायती राज मंत्री ने अधिक होकर जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया, यह बिहार के जनप्रतिनिधि और जनता जानती। हमारे हमारे जब जब बोले तो मेरी बात सुन लीजिए, जब हमारे 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 जब यहाँ संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय जब कहता था, उसके मंत्री जाकर कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है और योगी जी ने अयोध्या से जिस प्रकार से माँ जानकी के जन्मभूमि सीतामढ़ी को जोड़ने का काम कर रही है, बिहार सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी वहाँ उसके उद्धार के लिए, उसके निर्माण के लिए हम काम करें, तो उनको गुस्सा आ जाता था। जब हमारे वन मंत्री कहते थे आज बिहार में हम घने वनों का हम विस्तार करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब हमारे वन मंत्री कहते थे कि बिहार के वैभव बढ़ाने वाले हम अपने सारे विभूति के नाम पर हम वनों का नामकरण करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब हमारे श्रम मंत्री श्रम योगी योजना का लाभ जब बिहार के श्रमिकों को देना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता था। तब भी इस प्रकार से आप देखिए, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए, फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए हमारे कृषि मंत्री कहते थे राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की जाए, तो इनको गुस्सा आता था। आप जब यहाँ का पलायन क्यों नहीं रुका नीतीश जी, जवाब दीजिए, इसलिए कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उद्योग विभाग आया तो हमारे उद्योग मंत्री जी ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों से संपर्क कर यहाँ उद्योग लगाने का काम प्रारंभ किया। बिहार की धरती यह गवाह है। आज हर जिलों में कारखानों के धुएं, चिमनी से धुएं निकलने के लिए जब बिहार तैयार होने लगा, तो नीतीश कुमार जी को गुस्सा आने लगा। तो इस प्रकार से बिहार की विकास की बात, जब भी भारतीय जनता पार्टी इसके हित की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, इनके एक एक मंत्रियों द्वारा, जब हमारे विधि मंत्री कहे कि भाई जरा यहाँ जितनी समितियाँ हैं विधि से जुड़ा हुआ उसको चेंज कीजिए, इसमें तो आरजेडी के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जनहित में काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, विधि मंत्री की बात नहीं मानी। तो आप जब इस प्रकार से देखिए, हमारे दो दो उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब बिहार की समस्याओं को लेकर जाते थे, विकास की बात को लेकर जाते थे, तो नहीं सुनते थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुनते थे। कोरोना काल में नीतीश जी बंद रह गए, जब स्वास्थ्य की इतनी बड़ी योजनाओं को जब बिहार की धरती पर लाने की बात आई, जब आज पीएमसीएच का भी उद्धार हो रहा है, बहुत सारी जब स्वास्थ्य की योजना लाने में बाधा उत्पन्न कर रही थी बिहार सरकार, तब भी स्वास्थ्य विभाग में इतना कार्य, एक एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी की के मंत्रियों ने अपने विभाग में अच्छा काम करने का, बिहार की जनता के हित में काम करने का, विकास के लिए काम करने का प्रयास किया, अच्छी सरके से लेकर सारी चीज जिसकी जितनी मैं चर्चा किया हूँ, सब में उनको गुस्सा आता था। 2017 का भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो हुए थे, और एक वैसे भ्रष्टाचारी, एक वैसे एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ, तेजस्वी के साथ गठबंधन किया आरजेडी के साथ, क्या नीतीश बाबू आप भूल गए, जब बिहार की जनता ने 2020 में मतदान किया था एनडीए के पक्ष में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना मेहनत हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था, और दो दिन नीतीश बाबू शायद आप भूल गए, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जो मतदान और मतदान की गणना यानी रिजल्ट का जो दो दिन थे, उसमें तेजस्वी और तेजस्वी के लोगों के उस गुंडा राज को याद कीजिए। लोग कहने लगे थे आज 25,000 दे दो
नहीं तो दो दिन बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमको 25 लाख लगेगा। क्या उस आवाज को भूल गए नीतीश जी? क्या आपने किया? बिहार के जनादेश का आपने अपमान किया है। लेकिन बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। जिस प्रकार से पूरे देश में विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से नरेंद्र मोदी जी की बह रही है, पहुंच रही है, बिहार में विकास की वह गंगा बहाने का हर प्रयास होगा। और उसमें अगर बिहार सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी बाधा बनने के लिए कोशिश किए तो सड़कों पर संघर्ष, सदनों में संघर्ष, सप्ताह का 7 दिनों का संघर्ष, वर्ष के 365 दिनों का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है। हम बिहार के विकास और बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के वैभव और इसकी मर्यादा के लिए हम दिन रात परिश्रम करने वाले लोग हैं। बिहार को हम बेहाल नहीं बनाने देंगे इनको। मैं बिहार की जनता को मैं वचन देता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहने वाली विकास की गंगा और बढ़ता हुआ देश के साथ बढ़ता हुआ बिहार में बाधक अगर बनने की कोशिश किए तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पलटू राम कहिए, भट्टू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भट्टू कहिए या कुर्सी लोलूप कहिए, जनता को धोखा देने वाले धोखाबाज कहिए, जो कहिएगा शब्द ऐसे उनके लिए जायज ही होगा। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।